बेसिद छाछ और साल्ट लवण, या नमक जिसको कहते हो। ठीक है, क्लियर। एसिड, बेसिस एंड साल्ट। देखो, डेली आप बहुत सारी चीजों को खाते हो। कुछ चीजें मैं आपको फॉर एग्जाम्पल पूछूं कि ये चीजें कैसी हैं टेस्ट में, तो आप मेरे को बताना कि कैसी कैसी चीजें हैं। जैसे लेमन जूस, वॉइस आ रही है या नहीं? लेमन जूस कैसा है टेस्ट में, बताओ। शो शोर, खट्टा। नींबू कैसा होता, खट्टा होता है ना? ये बुक में फिल कर लेना पेंसिल से, ये दे रखी है ना एक्टिविटी, तो ये कंप्लीट कर लेना। शुगर, शुगर कैसी है बताओ, मीठी। ये किसकी शुगर खट्टी होती है भाई, मेरे को बताना। उसके बाद साल्ट, साल्ट कैसा होता है, साल्टी होता है, नमकीन। उसमें कोई टेस्ट अलग से, हमने जब तंग पड़ी थी तो उसमें फोर टाइप्स ऑफ, ऐसे फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट नहीं बताए थे मैंने उस पे, टंग पे। हाँ, ये बीटर, हाँ वेरी गुड, ये श्योर। हाँ, तो फिर साल्ट कैसा है, साल्टी हो जाएगा। गूजबेरी कहते हैं करोंदे को, देखा है, छोटा सा होता है और खट्टा होता है, अचार भी डालते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, तो ये कैसा होगा। श्योर। कर्ड, दही कैसा होता है, श्योर। मोस्टली तो बेटा खट्टा ही होता है, वो थोड़ी देर फ्रेश होता है तब थोड़ा मीठा लगता है, अदरवाइज तो खट्टा ही होता है। टेमरिंड, इमली को कहते हैं बेटा टेमरिंड, खट्टी होती है बेटा, खट्टी मीठी, तो वो उसमें वो क्या जेली जैसे भर देते हैं ना, तो लगता है, अदरवाइज तो इमली अगर पेड़ से टूटी हुई कोई वो होती है, फली होती है उस तरह की, उसको खाओ तो बिल्कुल खट्टी होती है। एप्पल, स्वीट बट खट्टा मीठा, क्योंकि बिल्कुल पका हुआ है ना वो तो मीठा मिलेगा, और जो कच्चा है ना रॉ एप्पल है वो खट्टा। हाँ वो बिल्कुल वो खट्टा। ऑरेंज, खट्टे ही होते हैं, खट्टा ही श्योर। ये तो बुक के हैं, कुछ और भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे दो तीन और भी टेस्ट चेंज हो जाएंगे जैसे आपके। अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो किसको कहते हैं बताओ, कैरी को। बिल्कुल, टच कैसी होती है, खट्टी। बेकिंग सोडा देखा है, बेकिंग सोडा केक बनाने में, या घर में तुम देखो पकौड़िया वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें डालते हैं, तो बेसन नहीं, उसमें एक वाइट बारीक सा, बहुत ही बारीक पाउडर होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी, बेकिंग पाउडर जैसा नहीं, वो बेकिंग पाउडर ही होता है वो, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। क्लियर, ये कैसा हो जाएगा बताओ, ये बीटर होता है।
कड़वा होता है। टेबल साल्ट, साल्ट ही होता है जो। ये लिख लो ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको बुक पे। इसीलिए मैंने बोला कि पेंसिल भी रखना हाथ में। कर्ड हो गया, सुगर। हाँ ऊपर लिख लो, थोड़ा आपको याद हो जाएगा। जो अब ये तो हमने कैसे टेस्ट से पता करे हैं कि ये स्वीट है, ये शोर है, ये साल्टी है, ये बीटर है। पर कुछ चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं, बट हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? भाई कोई खाने की चीज है, उसी को तो हम टेस्ट कर सकते हैं, दूसरी चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते। तो इनको पहले हम पढ़ेंगे, उनको कैसे हम टेस्ट करें कि भाई टेस्ट करें कि वो कैसा है, तो उसको इंडिकेटर कहते हैं। बेटा ये माइक ऑफ करो, कौन किसके साथ शरारत कर रहा है। पहले हम पढ़ इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर होते हैं सूचक। इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है जहां पे। हाँ बेटा, बेटा मुझे भी कई बार ये दोबारा गूंजती हुई नजर आ रही है, मुझे खुद की वॉइस खुद ही सुनाई दे। हाँ कई बार नेट का हो जाता है ना बीच में। इंडिकेटर्स इंडिकेटर क्या है? देखो सूचक होता है, सूचक। इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है जहां पे स्विच होते हैं, उसमें आपने देखा होगा। उस आवाज आ रही है? अच्छा चलो देखो, बिजली का जो बोर्ड होता है उसमें इंडिकेटर लगाया जाता है रेड कलर का। वो क्या करता है? लाइट को इंडिकेट करता है ना, है या नहीं है, तो वो जलता हुआ दिखाई देता है ऐसे ऐसे रेड कलर का। और अगर नहीं है तो वो नहीं दिखेगा। इंडिकेटर का मतलब सूचक, जो इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस इज बेटा। हाँ क्लियर नहीं आ रही, बार बार गूंजने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, द सब्सटेंसेस शो डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम। समझ आ रहा है ना? द सब्सटेंसेस शो डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम आर कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर दो तरह के, नेचुरल और नेचुरल में हाँ बेटा निखिल, बार बार मुझे मेरे कानों में ज्यादा आ रही है फिर। निखिल बेटा माइक ऑफ करो ना आप। चलो देखो, नेचुरल जो इंडिकेटर, उसमें टर्मरिक पाउडर,
हल्दी, दूसरा चाइना रोज, बोलो नहीं बेटा, चाइना रोज, उसके बाद पेटल्स, किसकी पेटल्स, लाइके, हाँ टर्मरिक पाउडर, चाइना रोज पेटल्स और लाइकेंस, ये है, ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर हैं। खाना खाते टाइम तुम देखो सब्जी का कोई स्टेन, कोई धब्बा कपड़ों पे गिर जाता है तो वहां क्या हो जाता है, पीला कलर बन जाता है ना, कोई भी कपड़ा हो जो हमने पहन रखा है उस पे गिर गया तो पीला पैच बन जाता है। लेकिन उसको देखना, जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो उसका कलर येलो से रेड हो जाता है, देखा है कभी, नोटिस किया है, आज करके देखना, कोई बेकार वेस्ट कपड़ा पड़ा हो उसके ऊपर सब्जी का एक थोड़ा सा स्टेन डालना, धब्बा डालना, और सूखने के बाद या तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सूखने के बाद उसको साबुन से वॉश करना तो येलो से उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। चाइना रोज है, इसमें जो गुड़हल को कहते हैं, एक प्लांट होता है गुड़हल, उसके जो फूल होते हैं उनकी पेटल्स को पानी में रख के हम इंडिकेटर बना सकते हैं, तो वो भी अलग अलग कलर शो करता है, उस पानी का कलर कैसा होगा, पिंक होगा। और जब आप किसी, जैसे नींबू का रस है, लेमन जूस, उसमें आपने डाला तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा, मर्जेंटा कलर जो बोलते हैं ना, एक तो हल्का पिंक और एक डार्क पिंक, गुलाबी जिसको बोलते हो वो, जो नींबू का जो रस है उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि नींबू में क्या है, एसिड है, मतलब यहां तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि सिर्फ मटेरियल्स का कलर चेंज कर रहे हैं, अगर उसको आपने डाला सोप के पानी में तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर को इंडिकेट करते हैं, डिफरेंट मीडियम में वो अलग अलग कलर शो करते हैं। लाइकेन्स हमने फर्स्ट लेसन में पढ़े हैं, सिम्बायोसिस में पढ़े हैं ना, जो सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल था वो लाइकेन्स था, तो लाइकेन्स भी कलर शो करते हैं। एसिडिक दो तरह के होते हैं, लिटमस पेपर, लाइकेन्स है वो लिटमस पेपर बनाने में यूज किए जाते हैं। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक तो ब्लू कलर का और दूसरा रेड कलर का। अब ये दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर शो करते हैं। ब्लू वाला टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और रेड पे कोई चेंज नहीं होगा, रेड वाला भी अगर आपने डिप करा तो रेड का रेड ही रहेगा। दूसरा रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेसिस, ठीक है, रेड लिटमस है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, बेसिक जो मीडियम है, जैसे एसिड का एग्जाम्पल सिंपल, अपने घर में दही मिल जाता है कर्ड जो है, और बेस में आप ले सकते हो बेकिंग पाउडर, वो थोड़ा सा पानी में घोल लो, या फिर नहाने वाली और कपड़े धोने वाली जो साबुन है ना उसका पानी लेके आप इसको टेस्ट कर सकते हो लिटमस पेपर को, पतली पतली पट्टियां आती हैं इस तरह की स्ट्रिप्स, लैब में तो इजीली मिल जाती है, केमिस्ट्री लैब में, क्योंकि हर चीज को हम हाथ डालकर नहीं टेस्ट कर सकते, हर चीज को हम टंग से टेस्ट नहीं कर सकते, क्लियर हो गया। तो ये थे इंडिकेटर्स जो कि नेचुरल थे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में
दो इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगी, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोफ्थलेन। स्पेलिंग मुझे याद नहीं है फिनोफ्थलेन की, एक मिनट। हाँ बेटा, फिनोल, PH, TH, AL, EIN, ये होगी फिनोफ्थलीन की और ये मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो एसिड में तो कैसा हो जाता है, रेड, और बेसिस में कैसा हो जाता है, एसिड में रेड और बेसिस में येलो, मिथाइल ऑरेंज का कलर। और फिनोफ्थलीन का जो कलर है वो एसिड में तो वो कोई कलर शो नहीं करेगा, कलरलेस होगा, ठीक है। और बेसिस के अंदर क्या हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा। ये लिख लेना आप अपने बुक पे, दो सिंथेटिक नेट इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल फ्लेन। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर रेड कलर का और बेसिस के अंदर येलो कलर का। फिनोफ्थलीन है वो एसिड में कलरलेस रहेगा और बेसिस के अंदर कैसा हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको बेटा? अभी मैं दोनों चीजें क्लियर करूंगी। ये तो जस्ट हम एक मटेरियल पढ़ रहे हैं और उसमें भी ये पढ़ रहे हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ हमें क्या कर रहे हैं, कलर चेंज करके दिखा रहे हैं। एसिड्स जितने भी आपके खट्टे फल हैं उनमें सब में पाया जाता है। एसिड्स, इनको कहते हैं अम्ल। एसिड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से लिया है, जिसका मतलब होता है श्योर, यानी कि खट्टा। क्लियर? अब किस किस में कौन सा एसिड होता है वो मैं आपको बताती हूं। सिट्रिक एसिड, हाँ एसिड का मतलब खट्टा, ये लैटिन वर्ड है जहां से एसिडस लिए, लैटिन वर्ड एसिडस जिसका मतलब श्योर, वहीं से क्या लिया गया है, एसिड लिया गया है। मैंने आपको कोई और भी लेसन में बताया होगा किसका मतलब ये होता है, सुडोपोडिया बताया था, सेकंड, कि सुडो का मतलब होता है फाल्स, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके कई मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड एसिडस से लिया है, उस एसिडस का मतलब होता है शोर। अब सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट, खट्टे जो फल होते हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, आमला, ठीक है, ग्रीन एप्पल। लैक्टिक एसिड, शोर मिल्क और कर्ड। दही भी तो खट्टा हो जाता है, खट्टा दूध जो फट जाता है। एसिटिक एसिड, हाँ बेटा, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, फिर भी अगर आपको लिखने हैं तो पेंसिल से बुक पे लिख लेना। एसिटिक एसिड, विनेगर,
विनेगर पता है किसको कहते हैं? सिरका, कहीं सुना है आपने सिरका? चाउमीन में वो व्हाइट कलर का, जो कलरलेस जो लिक्विड डालते हैं, व्हाइट कलर नहीं, कलरलेस पानी जैसा, जो कि खट्टा बना देता है, या फिर तुम देखो नॉर्मली अचार में भी वो डाला जाता है, सिरका कहते हैं उसको, विनेगर को, वो है एसिटिक। हाँ ये सब है। हाँ ओनियन का कलर चेंज हो जाता है ना, टेस्टी भी लगती है फिर। हाँ तो ये सारे एसिड्स हैं जो एडिबल हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। टार्ट्रिक एसिड है, वो एक तो आपका मिलता है टैमेरिंड, अभी बताया था ना मैंने, इमली, ग्रेप्स, ग्रेप्स भी कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं कुछ, जामुन का खट्टा होता है, अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो, कच्चा आम, पैनिक एसिड, कोई आपसे पूछे कि चाय, डॉक्टर चाय पीना बंद करता है ना जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें पैनिक एसिड होता है टी में, चाय में, क्लियर। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड है वो मिलेगा आपको एप्पल में। हाँ बेटा बोलो, बुक में है नहीं बेटा, ये मेरे पास कोई दूसरी बुक है, मैं इसलिए उससे पढ़ा रही हूं आपको। हाँ कुछ दे रखे हैं बेटा, सारे नहीं दे रखे। हाँ टी में दे रखा है, अनराइप ग्रीन एप्पल्स में दे रखा है, विनेगर, कर्ड, शोर मिल्क, जो इसमें है वो तो है ही, बाकी आप और भी ऐड कर लेना। जैसे आप ये कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोको कोला, थम्सअप, इनमें भी तो एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, इनको कहते हैं सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। अरे फिर लिखूं क्या? ये दो तो बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड और ये, चलो मैं लिख देती हूँ फिर। एसिड में समझ आ रहा है या नहीं? अरे मुझे एक बात बताओ, अक्षत है या नहीं क्लास में आज भी? हेलो, 21 22 तू बच्चे हो, कल भी नहीं था वो, परसों उसके पापा ने बोला, उसके बाद वो आ ही नहीं रहा। सिट्रस फ्रूट, ठीक है। दूसरा लैक्टिक एसिड, ये शोर मिल्क, खट्टा जो दूध है उसमें, और कर्ड। एसिटिक एसिड, विनेगर, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड, टेमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप, एसिटिक, ACETIC, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका लिख लेना इसको हिंदी में, साथ में विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं, ठीक है, जो चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, अचार में डाला जाता है। टार्ट्रिक एसिड हो गया, टैनिक एसिड टी, मैलिक एसिड एप्पल, अब तो रब कर दूं। कार्बोनिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड जैसे कार्बोनेटेड जो, हाँ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक पेप्सी, कोको कोला, थम्सअप जो भी है। ठीक है, ये हो गए कुछ। एक और भी मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रोंग एसिड है, बोलो नहीं बेटा, स्ट्रोंग एसिड एक तो सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, सबसे स्ट्रोंगेस्ट एसिड है ये, किंग ऑफ केमिकल्स नहीं, स्ट्रोंगेस्ट एसिड, किंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला इसके नीचे लिख देती हूँ, H2SO4, क्योंकि इन चीजों से फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बेटा बोलो, स्ट्रोंग एसिड है वो, तो सारे थे एडिबल और वीक एसिड, उनपे लिख लेना जो हम खाते हैं, एडिबल जो खाने योग्य है या वीक एसिड है, ये स्ट्रोंग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये कई बार तुमने सुना होगा ना कि किसी ने उसके उस पे चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, या वैसे रंजिश, आपसी रंजिश में तेजाब फेंक दिया, तो वो चीज क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो पूरी स्किन को जहां गिर गया वो क्या कर देता है, जला देता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ आ रहा है या नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये इसके नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। नेक्स्ट टाइम ये इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना, इन्वर्टर बैटरीज में भी पाया जाता है, बट उसमें उसमें अमाउंट कम होती है, इन्वर्टर की जो बैटरीज होती है उनमें अमाउंट कम होती है। उसमें अगर 100 ml वाटर है तो 5 ml क्या होगा, 5 ml मैक्सिमम या इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा, H2SO4 ये होता है ना, कि 100 ml ही H2SO4। तो तुम देखो वो कहीं गिर जाता है वो पानी, तो कपड़ों पे गिर जाता है, वो कपड़ा जहां जहां गिरा है वो जल के अलग हो जाता है, पेपर भी गल जाता है, फर्श पे धब्बा बन जाता है। क्लियर? इसके बाद एक दूसरा नाइट्रिक एसिड, इसका जो HNO3, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले जरूर लिख लेना, क्योंकि रिएक्शंस में जैसे मैं फॉर्मूले लिखूं सीधा, मैं बोलूंगी सल्फ्यूरिक एसिड, लिखूंगी H2SO4, बोलूंगी नाइट्रिक एसिड और लिखूंगी HNO3। ठीक है, ऑर्नामेंट साफ किए जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रोंग एसिड है। इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो HCl होता है, और ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। आपसे कोई पूछे कि हमारे पेट, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, कि हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एक स्ट्रोंग एसिड होता है। बहुत ज्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड खाने, हाँ हाँ बेटा बोलो, H कैपिटल, ये देखो ऐसे HCl दिख रहा है। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, और ये भी एक स्ट्रोंग एसिड है। अब आप कहोगे कि हमारे पेट के अंदर एसिड है फिर हम जलते क्यों नहीं है, तो मैंने ये भी बताया था, जो स्टमक की लाइनिंग होती है अंदर वाली, एक लिसलिसा,
हाँ, म्यूकस सीक्रेट करती है जो हमारी स्टमक की लाइनिंग को जलने से बचाती है। अब जितना ज्यादा हम ऑयली फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, स्पाइस वाला, मिर्च मसाले वाला फूड खाते हैं, तो धीरे धीरे एसिड की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए फिर क्या होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, बदहजमी जिसको बोलते हो, कई बार खट्टी डकारे आने लग जाती है। इनो लेते हो, फिर इनो लेते हैं। अब वो आगे हम पढ़ेंगे कि इनो क्यों लेते हैं। भाई खट्टी जब चीज खाई है तो इनो क्या करेगा, इनो एक बेस है जो उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर हो गया। ये एक HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों जो हैं इनको मिला के एक लिक्विड बनाया जाता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। लिखना इसको HNO3+HCl, एक्वारेजिया। सोना और चांदी साफ करने के लिए सुनार जो यूज करता है वो कौन सा लिक्विड है, एक्वारेजिया। यानी कि दोनों क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। कोई आपकी ज्वेलरी, जैसे फॉर एग्जांपल सोने की कोई रिंग, कानों के ईयर रिंग्स का, हाँ, फिर उसको सुनार को हम देख के आते हैं ना, तो वो किस में वॉश करता है उनको, ये दोनों एसिड होते हैं उसमें वॉश करता है, उस लिक्विड को कहते हैं एक्वारेजिया। समझ आया। उसमें कुछ अमाउंट में वो मेल्ट भी हो जाती है, चाहे सोना हो या चांदी। क्लियर हो गई। जितना वजन था पहले, आपने मान लो, पता है आपको कि एक नया जब लिया था आपका एक्यूरेट मेटल का वजन कितना था, उससे थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वो उसमें डिजोल्व हो जाती है। तो दो तरह के एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और, हाँ बेटा बोलो, दोनों दो एसिड HNO3+HCl, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया। ठीक है, इसका और जब डीप में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके यूजेस हैं, तो मैं इसका रेशियो भी बताती हूँ आपको, 3:1। यानी चार हिस्सों में से तीन हिस्से तो HNO3 के और एक हिस्सा किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इस तरह से होता है एक्वारेजिया। ये बेटा दोनों ऐड करने से ये बनेगा एक्वारेजिया का, मुझे फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन उसमें जो दो एसिड है HNO3+HCl वो पता है। क्लियर। दो तरह के एसिड हैं, स्ट्रोंग एसिड, हाँ बेटा, और वीक एसिड। स्ट्रोंग एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं, बोलो, और वीक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं, एडिबल एसिड भी। समझ आ रहा है या नहीं। स्ट्रोंग एसिड मैंने आपको बता दिए, H2SO4 कौन सा एसिड है बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या, ये देखो मैंने, सल्फरिक और हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक, ये तीनों मैंने बताए हैं ना, ये तीनों क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। वीक एसिड जितने भी मैंने उस टेबल में लिखे थे, लैक्टिक, टार्ट्रिक, मैलिक, टैनिक, कार्बोनिक, ये सब कैसे एसिड है, वीक एसिड है। क्लियर हो गया। एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एसिड में ऐसा कैसे पता चले कि ये एसिड है, ये हम कल पढ़ेंगे, कि उसमें एच आयन निकलता है, वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है। क्लियर। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं एसिड की वो कल पढ़ेंगे, फिर बेसिस धीरे धीरे
सारा लेसन कंप्लीट करेंगे, पीछे के लेसन किसी को कोई डाउट हो। हेलो, हाँ बोलो बेटा। बेटा एल्यूमिनियम और मरकरी दोनों मेटल हैं, मेटल मेटल से रिएक्ट नहीं करेगी। वैसे तो उसका कलर गोल्ड वगैरह पे गिर जाए तो एक बार हल्का हो जाता है, गोल्ड पे मरकरी जैसे गिर जाती है ना तो कलर उसका चेंज हो जाता है थोड़ा। अदरवाइज एल्यूमिनियम और मरकरी दोनों मेटल हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगी। हाँ बेटा बोलो। कौन सा रेडिएशन, कौन सा प्रोसेस है बेटा, बुक में दे रखा है कहाँ, किस पेज पे दे रखा है बताओ। 50, रेडिएशन बोलो, रेडिएशन नहीं रेडिएशन। मैं सोची रेडिएशन कौन सा प्रोसेस होगा, रेडिएशन वो प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर बिना किसी मीडियम के होता है वो कहलाता है रेडिएशन। समझ आया, सन की हीट बिना किसी मीडियम के हमारे पास पहुंच जाती है वो कहलाता है रेडिएशन। आप किसी कैंप फायर के पास, अंगीठी के पास बैठे हो, थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी हीट से गर्म हो जाती है, तो वो भी कौन सा प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस है। ठीक है और बोलो, कोई दिक्कत किसी की, पढ़ते रहा करो बेटा, पूछते रहा करो। क्लियर, कुछ बच्चों का वर्क आ गया है, मयंक और अंशिका, चार पांच बच्चों का वर्क आया है, जिस जिसको चेक करवाना वो भी व्हाट्सएप कर देना। क्लियर, हाँ बेटा मेरे नाम याद नहीं किस किस ने, चार पांच बच्चों का आया है। अंशिका है क्लास में, अंशिका, नुपुर, वर्क नहीं भेजा बेटा वो काम। अच्छा ठीक है, रजनी, ऋषभ, वर्क भेजा क्या? मैंने बताए थे किसी ने कल चैटिंग पे भी डाल रखे थे, 9050916115। रिपीट करूं क्या बेटा? वो तो नंबर मेरे पास ये वाला मोबाइल होता है, वो तो मैंने जब डॉक्यूमेंट्स में डलवाया था ना तो उसपे वो वाला नंबर डाल दिया सर ने। मैं वैसे बता रही हूँ आपको, 9050916115। ठीक है, 9050916115। ठीक है आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास लीव करें फटाफट, वेलकम, बाय बेटा, बाय। ओजस्वी, ईशांत, आसू, ईशांत, क्लास लीव करो बेटा। ओजस्वी, दीक्षित, वापस क्यों आए हो बेटा क्लास में? ईशान, तासु, दीक्षित, ओजस्वी, क्लास लीव करो। ईशांत, दीक्षित,
क्लास लीव करो बेटा अगर आवाज आ रही है तो। गुरप्रीत क्या हल्ले वो एक बच रो हो जाना रहे। ईशान क्लास लीव करो। दीक्षित प्रशांत मेरी आवाज आ रही है ना, क्लास लीव करो बेटा।